हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक होटल मालिक ने एक महिला अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला अधिकारी उस वक्त होटल का अवैध निर्माण ठाने गई थी। इसी दौरान होटल मालिक ने उस अधिकारी पर हमला बोल दिया। इस हमले में एक मजदूर को भी गोली लगी, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। हत्या की यह सनसनीखेज वारदात सोलन जिले के कसौली की है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 17 अप्रैल को कसौली जिले में मौजूद होटलों में अवैध निर्माण को 2 हफ्ते के भीतर हटाने का फरमान सुनाया था। इसी आदेश के चलते टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिसर शैल बाबा अपनी टीम के साथ एक अवैध निर्माण को हटाने गई थी। टीम ने पाया कि कसौली में नारायणी होटल के बाहर बड़ा अवैध निर्माण किया गया था। महिला अधिकारी शैल बाला ने उनकी टीम ने निर्माण को हटाने की कोशिश की, मालिक से कहा सुनी हो गई। इसी दौरान होटल का मालिक विजय ठाकुर अपना आपा खो बैठा और उसने अधिकारी पर फायरिंग कर दी। इस हमले में महिला अधिकारी को 2 गोलियां लगी, जिसके बाद शैल बाला की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या आरोपी होटल मालिक विजय ठाकुर वारदात के बाद से फरार है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। महिला अधिकारी का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है।